Hello and welcome to India ka Iklota Raatwala Family Show. Good night, India. Online order kiya tha donut. Medu vada deliver kar diya. Abhi tumhe thoda late kya ho gaya? Aapne show shuru kar diya. अरे WhatsApp के टाइम में तुम चिट्ठी की स्पीड से आओगी तो शो तो शुरू करना ही पड़ेगा। अब निकली थी घर से विदाउट मास्क, लगा फैन फोटो खिंचवाने आ गए। जैसे ही की मैंने खिड़की नीचे, मेरे हाथ में विदाउट मास्क का चालान थमा गए। ये तो हर बात का जवाब टूटी फूटी पोएट्री में क्यों दे रही है आज? अब मैं प्यार में अपने ऑडियंस का वार्म अप करवा रही हूँ क्योंकि आज मैं अपने साथ लाई हूँ अपने स्पेशल गेस्ट को, जो है एक्टर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर, जो 10 साल की उम्र में पहली बार नेशनल स्टेज पर आए थे और ये इनका 41वां साल है, जिनको बुलाने के लिए प्रोड्यूसर्स को अपनी FTP तोड़वानी पड़ी थी क्योंकि ये है इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कवि। प्लीज वेलकम शैलेश लोधा। कहा यूं है कि मैं नाग हूं, इंसान की तरह डसता नहीं हूं और मैं आजकल आस्तीनों में बसता नहीं हूं। क्या बात है। और नींद नहीं आती है इन दिनों मुझे, क्योंकि मैं खुल के हंसता नहीं हूं। क्या बात है। वाह जी, आपको समझ में आया? बाद में मैं प्रोड्यूसर को पूछ लूंगी वो नास्ती नास्तीन का मतलब। वाह, आपने जो आस्तीन को नास्तीन किया है, वाह, इस बात पे तो तास्तीन बजानी चाहिए। क्या बात है। पर आप जो बात कर रहे थे ना कि हंसता नहीं हूँ, उस पर मैं एक दो लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। अरे वाह वाह, हमें जरूर। सर, गुड नाइट इंडिया शो देखिए जी, आपको रोज रात को हंसाएंगे। गुड नाइट इंडिया शो देखिए, रोज रात को आपको हंसाएंगे, आपको ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को चैन की नींद सुलाएंगे। वाह 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 वाह। हमारे कवि मित्र हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ जी, कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। क्या बात है। तो इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, 41 सालों से आप नेशनल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं जी अमित, तो कोई फैमिली मेंबर किसी को छोड़ा अभी आपने कि बचा है? मैं क्या मारवाड़ी आदमी हूँ? हाँ। जब घर में आपके आसपास इतना मटेरियल हो तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? क्यों निकले आदमी घर से बाहर, है ना? मैंने लिखा अपने पिताजी पे लिखा। हाँ। मैंने अपने सब परिवार के सदस्यों पे लिखा और अपनी बीवी पे लिखा। हाँ। तो दूसरों की बीवी ने लिखने नहीं दिया। कुछ अप्रिसिएशन मिलती है घर पे? क्या होता है, तुम्हें मिलती है? तो ये सवाल क्यों किया? शैलेश जी पहले मारवाड़ी हैं जो शब्द ज्यादा सोच के खर्च करते हैं, मुझे लगता है। शब्द खर्च करने वाले तो लोग ही नहीं देगा अमित। हमारे कवि सम्मेलन में एक कोई मुख्य अतिथि 90 साल के थे और एक कवि आए, उसने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। गिरफ्तार किया गया उसको और जज के सामने पेश किया। जज साहब ने पूछा क्या हुआ? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि निकल गए। ऐसा किया? बोले हाँ ऐसा किया। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाने से पहले पूछा बताओ अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। हम लोग तरीका जानते हैं। कविताएं भी हम सुनेंगे पर आपको कुछ हम सुनाएंगे भी, हमारे कुछ कमेडियंस दोस्त। अरे मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ आप लोगों को सुनने के लिए। तो आपको सुनने के पहले मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आंसू ही बहाने हो, जो मरसिए ही गाने हो, रोना हो जमाने पर जले हुए आशियाने पे, किसी के घर के गमले में जो कांटे ही उगाने हो, तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है और शैलेश लोढ़ा स्वागत में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ तो आज इस हंसी की बात होगी, यहाँ सिर्फ हंसी होगी और हंसी की बात होगी, और जब हम लौटेंगे सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होगी। क्या बात है। थैंक यू शैलेश जी। जो खाते हैं डोसा, लेकिन असर वड़ा पाव का ही लगता है उनपे। आधे बैंगलोरियन और आधे मुंबई कर सिद्धार्थ शेट्टी। मैं आजकल डेटिंग ऐप चिंदर सब पे है। मैं जब से चिंदर में आया ना, जिंदगी इट इज अ गुलजार। मैं राइट ही मार रहा है जिंदगी में, सब जगह राइट स्वाइप। इतना हो गया ना, हाथ लकवा मार गया मेरा।
मैं पूरी दुनिया में जाना ही जाता हूँ अपने पिताजी की बात करने की वजह से। मैंने जो कुछ लिखा अपने पिताजी पे ही लिखा, क्योंकि उनके सामने तो कुछ कह नहीं सकते थे। और तुम्हारे पिताजी तो क्रेडिट लेते हैं, मेरे कैश ही ले लेते हैं। तो जो मेरे पिताजी बड़े कमाल के, क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, खड़े हो जाओ, मुझे मैथमेटिक्स बचपन में, खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पेंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पेंट में क्या हो सकता है। अरे बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है, ठंडी नहीं दे। थैंक यू विनय, एक बार जोरदार तालियां विनय के लिए एक बार। थैंक यू। यह हमारे शो में से यहाँ से ना एक सवाल आया था तुम्हारे लिए कि तुम्हें किस तरीके के लड़के पसंद? क्यूट, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, पेट लवर, और फिट, फिट भी होना चाहिए। सॉरी यार सिद्धार्थ। ये सवाल इसी ने पूछा था, बाकी सारी चीजें पूरी की, फिट पे आके ना तूने इसको फिट डाल दिया। ये बेचारा बहुत रिजेक्ट हुआ यार, इसके पास बहुत कहानी है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इसकी कहानियां सुन ले। मैं थोड़ा दर्द आके शेयर करूं आपके साथ, ठीक है फिर? सो प्लीज वेलकम मैंगलोरियन मुंबई कर सिद्धार्थ चेट्टी। मेरा लाइफ में एक बेसिक प्रॉब्लम है, 30 साल हो गया शादी नहीं हो रहा है। मैट्रिमोनी साइट ट्राई किया, मेरा घर वालों ने दहेज देने को ट्राई किया। मैट्रिमोनी वाला मेट प्रोफाइल डीएक्टिवेट करके मेरे को मेल लिखा, सर चांस ले आया। लव मैरिज का तो स्कोप नहीं, फिर भी मैं होप नहीं छोड़ा। मैं मम्मी को बोला मैं अरेंज मैरिज करेगा, जो तू बोलेगी वो ऐश्वर्या। मम्मी बोली ऐश्वर्या को ठीक है बेटा, तू तो राजपाल यादव है ना। मैट्रिमोनी साइट में एक प्रोफाइल अच्छा लगा मेरे को, लड़की का था, 35 लाख पैकेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं गोल्ड डिगर है। उसको लड़की का नंबर था, मैं सब व्हाट्सएप पे ऐड किया, उसको तुरंत मैसेज भेजा, ही व्हाट्सएप, तो सामने से रिप्लाई है, हेलो बेटा। मैं टेंशन में, बोले शादी कैसे होएगा? मेरा दोस्त बोला कोई बात नहीं, चिंदर ट्राई करो, मैं आजकल डेटिंग ऐप पे चिंदर सब पे है, मैं जब से चिंदर में आया ना जिंदगी इट इज अ गुलजार। मैं राइट ही मार रहा है जिंदगी में, सब जगह राइट स्वाइप, इतना हो गया ना हाथ लकवा मार गया मेरा। मेरा मैच हुआ एक लड़की से, वो कोलाबा से थी, तो मैं बोला चाहिए कोलाबा मस्त बढ़िया जगह है, पहला डेट, शी हैज बुक्ड अ टेबल, मिनिमम ऑर्डर 8,000 रुपीज, मिनिमम ऑर्डर 8,000 रुपीज का टेबल देख के मेरा प्राण पखेरू उड़ गया। बोला क्या करेगा मैं अभी, मेरा प्लान पक्का था, उसको बोलेगा टॉयलेट ब्रेक, भाग जाएगा उधर से। बट जैसे बिल लाया ना, उसने बोला वी विल स्प्लिट द बिल, कोई बात नहीं, जैसे उसने बोला वी विल स्प्लिट द बिल, मैं उसका पैर पकड़ा, थैंक यू अक्का, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। बट डेट का हाईलाइट ये नहीं था, डेट का हाईलाइट था उसका हंसी, वैसा हंसती थी, अरे पहले मेरे को लगा गले में कराश है, मैं वेटर को बुलाया गर्म पानी लेके आओ, थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर मैं देखा ऐसी हंसती है, फिर मैं बोला अरे ये हंसी नहीं, ये डेट नहीं, ये तो कंटेंट है। मैं पूरा उसका हंसी सीख लिया, ठीक है। तो एक दिन ना रात को ना मैं 11:30 बजे वो आर्य मिल कॉलोनी से जा रहा था, आर्य मिल कॉलोनी मालूम है आपको, उधर से अफवाह ऐसा मिडिल क्लास भूत घूमते। रात का 11:30 बजे तो क्या करेगा कैब में, मैं बोला कंटेंट का रियाज करते, मैं चालू हो गया। अभी वो स्त्री पिक्चर जस्ट रिलीज हुआ था, पहला कैब धीरे धीरे स्लो हो गया, वो आजू बाजू देखा, फिर देखा ये पीछे बैठा है। मेरे को बोलता है साहब आप पैसा देकर डराते हो। देखिए रात का टाइम है, आपका भाड़ा होता है 250 रुपये, 500 रुपये मैं आपको देता हूँ, उतरो कैब से आप। थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। तो ये आपका लड़की वाला किस्सा मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। इंडिया की सारी प्यारी प्यारी लड़कियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ,
अगर ये प्यारा सा चेहरा आपको कहीं दिखे तो प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा. देखिए इतना क्यूट लड़का है, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, और टेडी बेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार. ये तुम इसके लिए बीवी ढूंढ रही हो या इसके लिए ऑडियंस ढूंढ रही हो वैसे? चले जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादीशुदा आदमी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है कितने हुए. हाँ. पहचान एक ही है. मतलब शादीशुदा स्त्री होगी तो उसके गले में मंगलसूत्र लटका होगा, शादीशुदा पुरुष होगा तो उसका चेहरा लटका होगा. मैट्रिमनी की बात कर रहे थे सिद्धार्थ. हाँ हाँ. मुझे याद आया उस जमाने में तो वेबसाइट्स वगैरह होती नहीं थी, तो न्यूज़पेपर्स में ही विज्ञापन दिए जाते थे. तो एक ने विज्ञापन दिया पत्नी चाहिए, उसके पास 150 लेटर आ गए, हमारी ले जा. थैंक यू सिद्धार्थ, जोरदार ताली. अब वक्त आ गया है उनको बुलाने का जिनका लिखा हुआ भी आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत रेगुलर आर्टिकल्स लिखते हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएट्स हैं. तो आपने उनको बोलते हुए भी बहुत सुना है. एक बार जोरदार तालियों के साथ, शैलेश लोधा जी. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. मुझे दो चीज़ें आज बड़ी अच्छी लगी. एक तो जिया की हिंदी जो काफ़ी अंग्रेजी नुमा अंदाज में वो बोल रही है, और बाकी आप लोग जो कर रहे थे बहुत बड़े. लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, वेस्टेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. जो इतने सारे शब्दों का वेस्ट होता है ना मुझे, जब एक शब्द में बात हो सकती है तो क्यों ना कही जाए. हम लोग प्रेम पे कविताएं भी नहीं लिखते लंबी लंबी. प्रेम पे कविताएं क्या लिखनी, बिना बोले जब बात हो सकती है. कोई सामने बहुत खूबसूरत सी लड़की आ रही हो तो उसमें गजल नहीं कहते, इतना सा कहते मेरे घर में मेरा साला आया तो बीवी ने कहा इनके लिए कुछ लाई है, मैं टैक्सी ले आया. बोले ना कुछ खिलाई है, मैंने खिड़की खोल दी. मैं अमेरिका गया, उन्होंने मुझे बोला हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने बनाया क्या, मुझसे पूछ रहा है देखो आप. चाइना गया, बोले हमने उसमें सिम कार्ड बना दिया, तुमने बनाया क्या. ताइवान बोले हमने उसमें बैलेंस तक बना दिया, तुमने क्या बनाया. मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था, बता. ये हमारा आविष्कार, घंटी देखो छोड़ दो. वेस्टेज नहीं होता ना हमसे, हम पॉजिटिव लोग हैं. हम इतने पॉजिटिव हैं कि हमारे यहाँ कोई एक किसी का दाह संस्कार हो रहा था तो एक 90 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने उनसे पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है. बोले 90 साल. तो बोले घर जाके क्या करोगे. ये स्थितियां बहुत अलग है ना, हमारे अलग है. लेकिन जिया तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी वाह, मतलब कमाल है. आई वॉन्ट बी योर स्टूडेंट. इस अंदाज में हिंदी बोलने की कला जो है वो बहुत कम लोगों के पास होती है. मैं बताता हूँ, अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं कि हमने कमाल नहीं किया. मैंने किया, मैं स्कूल में पढ़ता था जिस जमाने में, तो अंग्रेजी में हमारे पढ़ाते थे. टीचर आए, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया. बोले मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलता हूँ, सेम सेंटेंस वापस बोलो. मैंने कहा सर बोलो. बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है. टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है. सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किताब जमीन पे है. मैंने कहा सर समझ में आ गया, अभी बताओ क्या करने का है. बोले सेम सेंटेंस बोलने का है. मैंने कहा सर सुनो, सेम सेंटेंस सुनो. आपने बोला बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर. सर मेरा सेंटेंस सुनो, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली. तो देखो हमने उनकी भाषा में भी काम कर दिया, लेकिन जो हमारी भाषा है ना जिया, वैसी भाषा कहीं मिलेगी नहीं. अंग्रेजी में वो भाव ही पैदा नहीं हो सकता. मैंने अंग्रेज को पूछा, मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो. बोले फेस. मैंने कहा थोबड़ा. मैंने कहा तुम पत्नी को क्या कहते हो. बोले वाइफ. मैंने कहा लुगाई. मैंने कहा किसी से मोहब्बत हो जाए तुम क्या बोलते हो. बोले अफेयर, लव. मैंने कहा लफड़ा, अपने इधर तो लफड़ा होता है. लफड़े की अंग्रेजी हो सकती है क्या कोई. तुम अंग्रेज हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्या खाके करेंगे. मैंने कहा हमारी पत्नी हमसे रोज उठ के एक वाक्य बोलती है सुबह, तुम उसका तुम अंग्रेजी में अनुवाद कर दो, मैं गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा. बोले क्या बोलती है. मैंने कहा तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए. हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है. जो हमारी अपनी भाषा है,
इसका मजा अलग, थोड़ा सा कोशिश करो जिया। हमारे आजकल के बच्चे, तुम तो खैर नहीं हो। जिस चीज की वजह से मैं जाना जाता हूँ वो कविता इसलिए क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, वो तमाम बच्चे इन दिनों जब मैं देखता हूँ और अपने बचपन की तरफ पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इन दिनों के बच्चों को आप देखते हैं, तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बेहतर मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है नहीं। इस कविता का शीर्षक है कि मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ। इन दिनों मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें ना गड़ाए, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने के लिए चले जाएं, वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसें और मुस्काएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे। आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं, और अगली पंक्ति में खास तौर पे कहना चाहूंगा, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आया हुआ मेहमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आया हुआ मेहमान अच्छा लगे, बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो, बच्चे जो नए के लिए रोए नहीं फटी कमीज सिल के भी खुश हो, बच्चे जो मलाई में शक्कर मिलाकर चाटे, बच्चे जो अपने कंचे अपने खास दोस्तों को बांटे, बच्चे जो दौड़ पड़े मंदिर की आरती के वक्त पर, बच्चे जो देखे भी नहीं किताब की और छुट्टियों में, बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टियों में, बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते हुए शर्माए नहीं, बच्चे जो मिठाई की ओर टुकुर टुकुर ताकते हुए लजाए नहीं, बच्चे रोए तो ऐसा रोए कि पूरा मोहल्ला सुन ले, बच्चे जो बुआ से कहें पापा से कहो ना फिल्म ले जाए, बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरों के बाद खाएं, बच्चे जो ठंड में बाथरूम में जाने से डरे, बच्चे जो जब जी चाहे जिद करें, बच्चे जो क्रिकेट में आउट होने पर भी आउट ना होने की चीटिंग करें, बच्चे जो टीचर के पीछे टीचर की एक्टिंग करें, अरे यही कहना चाहता हूं, बच्चे जो जिद करें, बच्चे जो हंसें, बच्चे जो रोएं, बच्चे जो मचलें, बच्चे जो अपने माँ बाप के सामने कच्चे हो, मैं ढूंढ रहा हूं वो बच्चे जो सिर्फ बच्चे हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। थैंक यू। आपने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए, ये सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और बच्चे वो भी जो स्कूल के बाहर पेपर एक्सचेंज करके इमलियां लेते थे। जी जी, क्या बात। वो तमाम बच्चे जो घुटने फोड़ते थे अब मिलते ही नहीं है, अब तो बच्चे माँ बाप को समझा देते हैं। थैंक यू सो मच शैलेश जी। थैंक यू जिया। थैंक यू अमित। तो इंडिया लेते हैं विदा, कल रात फिर लौटेंगे रात 10:30 आपकी पर्सनल फैमिली महफिल में, जो है गुड नाइट इंडिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।